बच्चों एनसीईआरटी का क्लास 10th ऑप्शनल का एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5, वो कहना ये चाह रहा है क्वेश्चन में, इफ़ द पोलिनोमियल एक्स फोर्थ माइनस सिक्स एक्स क्यू प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 इज डिवाइडेड बाई अनदर पोलिनोमियल दिस द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी एक्स माइनस ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड ए की बात कर रहा है। इस क्वेश्चन का अगर हम बेस देखने जाएंगे तो इसके लिए हमारा एक रूल है, जो डिवीजन एल्गोरिथम, वो क्या कहना चाहता है, मतलब कि कोई एक डिवीजन होता है तो उसका रूल क्या क्या होता है। अब मान लो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे कहा कि अगर मैंने 7 को 2 से डिवाइड करा तो 2 3 6 एंड दिस इज योर रिमाइंडर, 1 बच गया, तो रिमाइंडर 1 बच गया। उस दौरान हम इस 7 को हम कहते हैं क्या है, डिविडेंड कहते हैं, इसको डिविडेंड कहते हैं, तो लेट इट बी माई डिविडेंड इज इक्वल्स टू ए से मैंने रिप्रेंट करा। ये जो है जिसको 7 से डिवाइड कर रहे हैं ये आपका है डिवाइजर, इसको अगर मैंने बी कहा एंड जो आपका आंसर आया इसको कोसेंट कहा जाता है, इसको मैंने क्यू से रिप्रेंट करा, और जो बैलेंस नीचे आ रहा है रिमाइंडर दैट इज आर से अगर मैंने रिप्रेजेंट करा, तो डिविजन एल्गोरिथम कहता है कि ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, मतलब जो ये है आपका डिविडेंड है, डिविडेंड जो होगा इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होकर के चलेगा। इसका एक रूल भी है और एक कंडीशन है, क्या है, 0 <= r <b>। इसका मतलब क्या है, ये रूल का मतलब क्या है, ये आप रियल नंबर में पढ़ोगे, ये क्या कहता है, जो रिमाइंडर होगा आइदर 0 होगा या इक्वल होगा, 0 से थोड़ा बड़ा होगा या इक्वल होगा, और जो b है आपका डिवाइजर है वो हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होना चाहिए। देखो 2 और 1 की बात करूंगा तो b जो है वो 2 है और 1 से बड़ा है, ये कंडीशन हम लेकर के चलते हैं। अब इस क्वेश्चन के रिलेटेड में ये कॉन्सेप्ट क्या कहना चाहता है, देखिए क्या कहना चाहता है कि इफ़ द पॉलिनोमियल दिस इज डिवाइडेड बाई अनदर पॉलिनोमियल दिस, मतलब अगर ये पूरे टर्म को मैंने 7 को रिप्रेजेंट करा एंड अनदर पॉलिनोमियल दिस ये डिवाइड हो रहा है, ये अगर मेरा 2 हुआ, ये मेरा 7 को अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ एग्जांपल के तौर पे, इसको अगर मैं 2 से रिप्रेजेंट करता हूँ, द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी एक्स माइनस ए, मतलब जो 1 बचा हमारा ये रिमाइंडर हो गया। अब डिविजन एल्गोरिथम क्या कहता है, डिविजन एल्गोरिथम कहता है कि ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अब इस कंडीशन को इसके साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये वाला जो आपका पॉलिनोमियल है दैट इज योर एक्स फोर्थ माइनस सिक्स एक्स क्यू प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 जो a हो गया, b क्या है, जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो वो b है व्हेन डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल दिस, मतलब ये हो गया b इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस k। अब ध्यान से देखना, a जो है ये पूरा टर्म हुआ, b जो है ये पूरा टर्म हुआ, तो क्या बच रहा है हमारा, कुछ एक कोसेंट के साथ रिमाइंडर कितना बच रहा है हमारा, रिमाइंडर जो बच रहा है दैट इज योर x प्लस ए बच रहा है, ठीक है। तो यहां पे देखो, अगर मैं इस चीज को मैं एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो मैं कुछ इस टाइप का लिखूंगा, 7 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 प्लस 1 लिखूंगा क्योंकि ये रिमाइंडर हो गया। अब अगर ये 1 को मैं इस तरफ ले आया, 7 माइनस 1 करके 2 इंटू 3 कहा, तो देखो 7 माइनस 1 जो है वो 6 हो जाएगा, तो ये डिविजिबल हो जाएगा, मतलब क्या होगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम क्या करेंगे कि जो x प्लस ए है, क्योंकि उसने कहा कि रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x प्लस ए, रिमाइंडर कुछ आ रहा है, इस क्वेश्चन में रिमाइंडर 1 आ रहा था, रिमाइंडर को अगर मैं अगर इस तरफ ले आया 7 माइनस 1 कर दिया तो रिमाइंडर 0 हो गया, मतलब मैं ये वाले चीज को मैं इस तरफ लेकर के माइनस कर दूंगा, उस दौरान होगा क्या, रिमाइंडर 0 आएगा। तो हम करेंगे एक्स फोर्थ माइनस सिक्स एक्स क्यू प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 माइनस एक्स माइनस ए, क्योंकि ये पूरा टर्म ले आया तो इधर होके माइनस हो गया, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के इंटू, कुछ एक कोसेंट रह जाएगा
ठीक है, तो मतलब क्या होगा कि ये चीज अगर मैं इससे डिवाइड करता हूं तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा, प्लस जीरो आएगा। मतलब यहां पे अगर आप देखोगे तो ये जो सिक्स आ गया, सिक्स इज इक्वल्स टू टू इंटू थ्री, इसका मीनिंग क्या हुआ कि सिक्स को मैं अगर टू से डिवाइड करता हूं, टू थ्री जा सिक्स इज इक्वल्स टू, रिमाइंडर जीरो आ गया। ठीक है, मतलब ये पॉलिनोमियल से, अब ये वाले पॉलिनोमियल को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मेरा जीरो आ जाएगा। ठीक, अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको, हम कैसे लिखेंगे इसको, लेट इट बी एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स क्यूब प्लस 16x² माइनस, देखो 25x माइनस x कितना हो जाएगा, 26x प्लस 10 माइनस a इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस k इंटू क्यू प्लस 1। मतलब अब ये हो गया मेरा b और ये हो गया मेरा ए। इन दोनों को हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद क्योंकि ये टर्म हमने जीरो ले लिया था रिमाइंडर, तो देखेंगे कि क्या वो रिमाइंडर जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर जीरो आ रहा है तो ठीक है, नहीं आया तो हम उसको जीरो में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको आप ये वाले चीज़ को इससे डिवाइड करने जाओगे थ्रू लॉन्ग डिवीजन मेथड। देखो मैं उस चीज़ को लॉन्ग डिवीजन मेथड में डिवाइड कर रहा हूँ, कैसे होकर के चलेगा वो देखते हैं उस चीज़ को। क्वेश्चन बड़ा है बच्चों, थोड़ा सा आपको कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक, अब देखो मैं किसको किससे डिवाइड करूंगा, ये वाले टर्म को इस टर्म के साथ डिवाइड करूंगा। अब देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड में मैं इसको यहां पे कर देता हूं, क्या होगा, एक्स फोर्थ माइनस सिक्स एक्स क्यूब प्लस 16x² माइनस ये 26x था, ये 26x प्लस 10 माइनस ए को लॉन्ग डिवीजन मेथड से मैं अगर डिवाइड करने जाऊंगा, ये कुछ होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के। ठीक है, इसको डिवाइड करने जाएंगे। अब देखो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये एक्स फोर्थ हो गया, तो आपका आ जाएगा दिस इज योर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स फोर्थ। अब एक्स स्क्वायर को माइनस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x क्यूब। अब एक्स स्क्वायर को के से, के क्या है यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आपका यहाँ पे साइन चेंज करना है, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब देखो ये कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद हम इन, क्योंकि हमें ये एक्चुअली कोशिश ये करना है कि इनके जो वेरिएबल है उनका पावर सेम होना चाहिए, उसी के नीचे को अरेंज करेंगे। अब ये हो जाएगा माइनस 4x क्यूब प्लस 16 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर। अब क्या करा मैंने, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया, बचा क्या हमारे पास 16 प्लस 16, और ये जो वैल्यू चेंज हो गया था माइनस के हो गया माइनस 26x प्लस 10 माइनस ए, ये बचा हमारा। उसके बाद अभी जो कंडीशन बताया था कि ये जो है इससे बड़ा होना चाहिए, लेकिन देख रहे हो ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर, मतलब फिर से हमारा डिबेट हो सकता है। तो मैं एक्स स्क्वायर को ऐसे कौन से चीज़ से मैं मल्टीप्लाई करूं जो वो माइनस 4x क्यूब हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 4x से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बचेगा माइनस 4x क्यूब, माइनस 4x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस 8x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर, फिर माइनस 4x को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस 4k एक्स होगा। फिर उसके बाद सेम साइन चेंज करेंगे, माइनस था ये प्लस हो गया, प्लस था ये माइनस हो गया, माइनस था ये प्लस हो गया। अब ये कैंसिल आउट हो गया। अब कैंसिल आउट होने के बाद इन चीज़ों को हम फिर जैसे यहाँ पे हमने कॉमन लेके करा था, इन चीज़ों को कॉमन लेके करेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर और 16, ये माइनस 8 है तो बन जाएगा मेरा 8 माइनस के ऑफ योर एक्स स्क्वायर। ये समझ पाए आप, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया, जब मैं ये माइनस करूंगा 16 माइनस 8 जो है वो 8 हो जाएगा, माइनस के प्लस एक्स स्क्वायर प्लस। अब इन दोनों टर्म से मैं x अगर कॉमन लेकर के चलता हूं तो क्या बचेगा मेरे पास, 4k माइनस 26 ब्रैकेट ऑफ योर एक्स, एक्स एक्स को कॉमन ले लिया, 4k मेरा प्लस था ये माइनस 26 था, प्लस 10 माइनस ए। क्या फिर से देखेंगे क्या ये डिविजिबल हो रहा है, देखो ये पावर दोनों सेम हो गए तो हम इसको फिर से डिवाइड कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर के साथ ऐसा कौन सा चीज मल्टीप्लाई करेंगे जो वो ये पूरे टर्म को देख रही था, तो क्या होगा प्लस 8 माइनस के से मैंने मल्टीप्लाई करा किससे, एक्स स्क्वायर के साथ, तो ये हो जाएगा 8 माइनस के ब्रैकेट ऑफ योर
एक्स स्क्वायर। अब 8k को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, कितना हो जाएगा देखते हैं, क्योंकि देखो ये वेरिएबल क्या है, x है, इन पूरे को साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, माइनस 2x ब्रैकेट ऑफ योर 8 माइनस के, ये मल्टीप्लाई करा, 2x को 2x रखा, 8 को मैंने मल्टीप्लाई करा। अब क्योंकि ये x का वेरिएबल है तो ये x है और ये x है, दोनों वेरिएबल को सेम रखा। अब ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होकर चलेगा, प्लस k ऑफ योर 8 माइनस k, ठीक है। अब थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे, मैं इस वाले पार्ट को यहां पे कर लेता हूं। देखो इसको सॉल्व कर, ये साइन जो है ये माइनस हो जाएगा, फिर उसके बाद ये प्लस हो जाएगा, ये साइन जो है ये माइनस हो जाएगा। इसी चीज को जो आंसर है मैं इस तरफ लिख रहा हूं। अब देखो ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, ये वाला टर्म बचा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से एक्स को कॉमन लेकर के चलेंगे। देखो यहां पे ये डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड, ये वाला लाइन जो है यहां पे है। अब एक्स को अगर मैं कॉमन लेता हूं तो अंदर मेरा क्या बच रहा है देखते हैं, क्या बचेगा हमारे पास, 4k माइनस 26 माइनस 26 प्लस ये हमारा x कॉमन चला गया था, तो 2 प्लस 2 इंटू ब्रैकेट ऑफ योर 8 माइनस k बच जाएगा। इसको थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको देख करके थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ जाएगा। उसके बाद ये क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा प्लस 10 माइनस a, क्योंकि ये सारे कांस्टेंट है बेटा, ये अगर माइनस है तो दिस इज योर माइनस k ब्रैकेट ऑफ योर 8 माइनस k, ठीक है। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर था, अब ये x है तो आगे तो डिविजिबल नहीं हो पाएगा, मतलब ये यहां पे ही रुक गया। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, क्या बनेगा ये हो जाएगा हमारा 4k माइनस 26 प्लस 16 माइनस 2k ब्रैकेट ऑफ योर x, अब इसको अरेंज कर लेते हैं, प्लस 10 माइनस a माइनस 8k प्लस k स्क्वायर। बच्चों ये जो चीज बचा हमारा, व्हाट इज दिस, दिस इज आवर रिमाइंडर। लेकिन हमने क्या करा था कि अगर ये बच रहा, ये था इसके साथ इस पॉलीनोमियल को डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर आ रहा था, लेकिन हमने नेक्स्ट लाइन में क्या करा, ये वाली चीज को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आए तो रिमाइंडर हमारा क्या आना चाहिए था, जीरो आना चाहिए था, लेकिन ये जीरो आया क्या, नहीं आया हमारा, ठीक है। तो हम इसको, इस चीज को इक्वल्स टू जीरो के साथ कंपेयर करेंगे। पहले सॉर्ट आउट सॉल्व कर लेते हैं, 2k माइनस 4k माइनस 2k जो हो जाएगा वो 2k हो जाएगा, और ये हो जाएगा दिस इज योर माइनस 10 ब्रैकेट ऑफ योर x प्लस, ये चीज को हम थोड़ा सा अरेंज कर देंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 माइनस है, क्यों इसको एक तरफ रखा, ये सारे कांस्टेंट है तो ये हमारा रिमाइंडर था। हमने क्या करेंगे, क्योंकि हमने x प्लस ए को इस तरफ ले आया था तो हमारा रिमाइंडर जीरो आ रहा था, लेकिन जब ये पॉलिनोमियल को हमने डिवाइड करा तो हमारा ये जीरो नहीं आया, हम उसको इक्वेट करेंगे इक्वल्स टू जीरो के साथ, ठीक है। यहां पे मेन पॉइंट है, अगर हमने इक्वल टू जीरो के साथ हम इक्वल टू जीरो करेंगे तो मैं ये वाले पार्ट को इरेज करता हूं, देखो ये वाले पार्ट को इरेज करता हूं क्योंकि रिमाइंडर हमारा जीरो आना चाहिए था। अब एक चीज आप लोगों ने नाइन्थ क्लास में पढ़ा हुआ था, क्या था कि अगर ऐसा एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, लास्ट एक्सरसाइज जो था उसमें क्या पढ़ा था आपने, 2k माइनस 10 ब्रैकेट ऑफ योर x प्लस k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 माइनस a इज इक्वल्स टू जो जीरो होता था। हम क्या करते थे कि अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हो या ये वन वेरिएबल में हो, हम इस जीरो के बदले में, इस जीरो के बदले में इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल अगर लिख के चलेंगे तो क्या लिख सकता हूं मैं, जीरो इंटू एक्स प्लस जीरो लिख सकता हूं। देखो पूरा सॉल्व करोगे तो ये जीरो ही आएगा। अब जीरो, अगर जीरो को मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स के वेरिएबल क्या है, जीरो है, यहां पे एक्स के वेरिएबल क्या है, टू के माइनस टेन। अब इन दोनों को मुझे कंपेयर करना है एक्स का कोफिशिएंट के साथ, तो क्या बचेगा मेरे पास, टू के माइनस टेन इज इक्वल्स टू जीरो हुआ, तो टू के इज इक्वल्स टू टेन एंड के इज इक्वल्स टू 10 by 2 is equals to your 5, so k is equals to
5 आंसर आ गया, क्योंकि हमें ढूंढना क्या था, फाइंड के एंड ए, तो के की वैल्यू आ गई। अब ये वाला क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है, कॉन्स्टेंट टर्म प्लस जीरो, तो ये पूरी वैल्यू के साथ माइनस के स्क्वायर 8k प्लस 10 माइनस ए इज इक्वल्स टू जीरो करूंगा, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट टर्म है, कॉन्स्टेंट टर्म क्या है हमारा, जीरो है। मेन चीज यहां पे है बच्चों इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है, लॉजिक कुछ नहीं है। अब k की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 5 है, तो मैं ये k की वैल्यू पुट कर दूंगा, k का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 5 प्लस 10 माइनस ए इज इक्वल्स टू जीरो करता है, ये हो गया मेरा 25 माइनस 40 प्लस 10 माइनस ए इज इक्वल्स टू जीरो। अब ये थोड़ा सा अरेंज कर देंगे, 25 प्लस 10 हो गया 35, 35 जो है वो हो जाएगा माइनस 5 माइनस ए इज इक्वल्स टू जीरो, तो माइनस ए इज इक्वल्स टू 5, सो ए इज इक्वल्स टू माइनस 5, तो आंसर क्या आया हमारा, के जो है वो 5 आया एंड ए जो है वो माइनस 5 आया। तो हमें फाइंड क्या करना था, के एंड ए फाइंड करना था, के जो है वो 5 आ गया, ए जो है वो माइनस 5 आ गया, एंड दिस इज द सॉल्यूशन।